भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली के जनपद में प्रथम आगमन पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया प्रभारी इरफान अहमद के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद असलम, जावेद अहमद, बजी उल्लाह अंसारी सहित मोर्चा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार की शाम शास्त्री चौक पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान भाजपा के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बाशित अली ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 में प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने में अल्पसंख्यक समाज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क कर उनसे भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का समुचित विकास हो रहा है और सभी वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली ने कहा, हर बूथ पर जाना, हर कार्यकर्ता समाज स्थापित करना और हर जिले के अंदर जाकर प्रवास करना, बैठकें करना, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको काम पर लगाना और भारतीय जनता पार्टी में 25% मुस्लिम वोट टारगेट हमने किया है कि 25% मुस्लिम वोट भाजपा को मिलेगा। हम ऐसी योजना बनाएंगे और प्रवास करेंगे। इसके लिए दोबारा से मोदी जी और योगी जी की सरकार आए उसमें अल्पसंख्यकों की बड़ी साझेदारी हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हम जब तक घर घर जाएंगे नहीं, बूथ तक पहुंचेंगे नहीं, मुसलमान कोई भाजपा को गैर नहीं मानता, हमारा समाज स्थापित नहीं हो पाता। ये मुसलमानों की सबसे ज्यादा भलाई के लिए कानून है। सबसे ज्यादा भलाई अगर इस कानून से होने वाला है तो मुसलमानों का होने वाला है। मुख्य धारा के अंदर मुसलमान इस कानून के बाद आ जाएगा।